अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम हो गया है कम्प्लीट। तो अभी फ़िलहाल यह मैं घर आ गया हूँ, तो घर आके ये देखो ओए इधर देर लग जाएगा, तो ये हमने स्टैंड उतार लिए हैं ठीक है। तो यार हमारा एक तरफ वाला जो है वो फिट हो चुका है ठीक है। ये मैंने खोल लिया तो ये देखो सीट खुल चुकी है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आज का लोग करते शुरू। तो आज का सीन कुछ इस तरह का है कि यार बाइक का ना एक और थोड़ा सा नुकसान हो गया है ठीक है। वो नुकसान क्या हुआ है मैं आपको नीचे जा कर ही बताऊँगा। तो फिलहाल यार मैं अभी ऊपर आया हूँ, तो ऊपर यार आज संडे है तो यार कपड़े धुले हुए हैं। तो बाकी यार इधर देख सकते हो आप हमारी मुर्गियाँ जो हैं मतलब खेल रही हैं। तो यार अब सीन कुछ इस तरह का है कि ये जो हमने दीवार बनाई है ना इसको हम बना नहीं रहे आप ठीक है, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कि हम ये घर जो है छोड़ के हमने नए घर में शिफ्ट होना है, तो इसलिए फिर जो है ना हम इसको पूरा नहीं कर रहे। तो ये इतना इसलिए रखा है कि अगर हम चेंज करेंगे तो ये दीवार बंदा तोड़ के ईंटें खा ले जे या तो फिर यहाँ पे ही रख दे। और मुर्गियाँ देखो यार बड़ी हो गई हैं ठीक है, और वो जो चूज़े हैं ना थोड़े से वो भी बड़े हो गए हैं। बाकी जो हमारे नीचे जो तीन चूज़े रह गए ना वो भी थोड़े से मतलब एक्टिव हो गए हैं बड़े। यार ये चेक करो यार अंडे अंडे दिए हुए हैं इन्होंने, एक ही अंडा है, एक अंडा हमें मिल चुका है अभी, और बाकी अभी और देंगी शाम तक और हो जाते हैं। मतलब अब ये जो नई मुर्गियां ली थी ना हमने तीन चार वो भी अंडा देना शुरू हो गई हैं, तो वो भी अंडे देती हैं। मतलब ये जो छोटा अंडा दिया ना ये वाला, ये छोटी मुर्गी ने दिया जो नहीं है। तो बाकी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक कर दो वीडियो को ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नई वीडियो मिले, मतलब जब नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं नीचे, नीचे जा कर देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है और अब उसका हल हमने क्या निकालना है। तो आ जाओ, अभी फ़िलहाल मैं आ गया नीचे। तो नीचे यार हमारी बाइक गंदी हुई है, रात को रोज़ आंधी आती है तो इस वजह से। तो किधर आ गया, अच्छा बाइक को हाल लगाता जाता हूँ तो दफ़ा भी बाहर आ जाता है। तो यार हमारा ये जो प्लास्टिक है ना ये देखो ये टूट गया, ये नज़र आया। तो ये इसलिए टूटा है कि मतलब यहाँ पे खड़ी है बाइक, तो इसको निकालने के लिए हमें दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो बाइक को मैं करता हूँ थोड़ा सा इधर, तो यहाँ से पकड़ के करता हूँ ऐसे ही, तो वो फिर प्लास्टिक टूट गया। तो अब इसका हमने हल निकालना है, वो ये है कि इसके जो डंडा नहीं था लगा वही हमने डंडा लगाना है। तो ये हमारे पास डंडा पड़ा हुआ है ठीक है, पर ये डंडा हमें ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे बुरा लगेगा, ये लगेगा ऐसे पर ऐसे नहीं लगाना इसका। ये मैंने सोचा कि यहाँ से हम कटवाएंगे इधर से और इधर से, फिर ये जो ये वाला हिस्सा है ना ये वाला ये यहाँ पे लग जाएगा और फिर इससे पकड़ के बंदा इधर उधर बाइक कर ले ठीक है। तो अब ये सिल्वर तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने टेपें भी ली हैं दो। तो ये हम ना एक डंडे के ऊपर एक टेप लगाएंगे, दूसरे डंडे के ऊपर दूसरी टेप। तो चलते हैं अभी फिर बाहर जा के इस डंडे को कटवा के लाते हैं, और उसके अलावा फिर आके इसको खुद ही जोड़ लेंगे क्योंकि दो नेट ही लगने हैं इधर, तो वो लगा लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करके ना सेट कर लेंगे ताकि ये और ना टूटे। तो चलते हैं फिर बाहर थोड़ा ज़रा साफ़ करने से। यार अभी मैंने ये कटवा लिया है, तो ये देख सकते हो ये जो छोटा ये हमने वैसे ही रख देना है ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये हमने दोनों लगा लेने हैं ठीक है। तो अभी यार मैं घर जा रहा हूँ ठीक है, घर जा कर हम इनको फिट करते हैं। तो रास्ते में मैं इनके मतलब जो नेट लगने हैं वो भी करता जाऊँगा, तो ये फिर हमने घर में रख देना है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा वेल्ड करा के पूरा भी लगा सकते हैं। तो ठीक है फिर आ रहे हो चलें। तो अभी फ़िलहाल यार मैं घर आ गया हूँ, तो घर आके ये देखो ओए इधर देर लग जाएगा, तो ये हमने स्टैंड उतार लिए हैं ठीक है। अब हम पहले इसके ऊपर टेप लगाएंगे, टेप लगा के फिर हम वहाँ पे फिट करेंगे ठीक है। तो ओए आप ना पकड़ो, गर्म है और लग जाएगा हाथ पे, जाओ घर अपने कमरे में जाओ चलो।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम हो गया है कम्प्लीट, ये टेप वाला ठीक है, और एक टेप हमारी बच गई है, और बल्कि ये वाली भी बच गई है। तो अब हमने इसको करना फिट। तो इसे फिट करने से पहले यार मैंने अभी सीट के जो नट हैं ये वाले, ये मैंने खोल लिया, तो ये देखो सीट खुल चुकी है ठीक है। तो अब आराम से जो है ना नट लग जाएंगे, क्योंकि सीट अगर लगी हो ना फिर लगते नहीं है नट। तो इसको यहाँ पे फंसा लेते हैं, रुक जाओ भाई, चलो जी। तो अब हम इस चाबी से, इससे ही सारा कुछ होता है, तो इसी से हम अब ये वाले जो नट है ये लगाते हैं, वो ब्लैक वाले ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं। तो यार ये वाले मैं बुल्ट लेके आया हूँ दो ठीक है, दो इस तरफ लगेंगे, दो उस तरफ लगेंगे। तो यार इसको हमने ये वाला जो साइड है ना, ये वाली जो सी कटवाई है ये हमने रख ली है इस तरफ, और ये गोल वाली साइड रखूँगा आगे। तो ये देखो कैसे लगाऊंगा ये। तो यार हमारा एक तरफ वाला जो है वो फिट हो चुका है ठीक है। तो इस तरफ वाला ये टूटा है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से टूटा है। तो अब ये लग गया, तो अब वहाँ से जब बाइक इधर करनी है तो इसको ऐसे पकड़ के इधर उधर कर लिया करूँगा। तो यार बड़ी मेहनत लगी है इसको कसने में यार, बड़ी जान लगानी पड़ी है। तो अब ये फुल टाइट हो गया ठीक है। यहाँ से थोड़ी टेप उतरी है, टेप लगाता हूँ यहाँ पर दोबारा, और बाकी यार मैं आप दूसरी वाला लगा लूँ, फिर आपको मैं दोनों दिखाता हूँ कि दोनों कैसे लग रहे हैं। तो अभी दूसरे वाला जो है वो नहीं लगा, वो लगाता हूँ अभी। यार अभी दोनों तरफ का लग चुका है, और मेरी तो यार हो गई है बस, मतलब कस कस के नट। तो यार बड़ा मुश्किल है इस चाबी से करना, वैसे वो जो मैकेनिक होते हैं उनके पास दूसरी चाबी होती है हाथ से, दूसरे पकड़ने वाली वो आसान होता है। तो यार बहुत मैं थक गया हूँ। तो यार अभी खाने का टाइम हो गया है, तो फिर अब मैं खाने जा रहा हूँ। सीट जो है वो मैं बाद में जोड़ूँगा ठीक है। फिर वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए ठीक है। तो यार बात क्या करूँ मैं आपसे, बाहर कभी छड़कने वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखना, और मुझे भी दुआओं में याद रखना। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।